मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति का पावन पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है तथा स्वाभाविक रूप से इस जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को लाखों श्रद्धालुओं द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है। लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु अपनी परंपरागत श्रद्धा को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों का सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में पूजन आदि का कार्य संपन्न होने के बाद भगवान गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिचड़ी चढ़ाने की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है तथा संगम तट पर प्रयागराज में और जहां पर भी पवित्र नदियां और सरोवर हैं वहां पर श्रद्धालु स्नान करके इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं। उन्होंने मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं से कहा कि जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसमें सभी श्रद्धालु मंदिर में गोरखनाथ बाबा को आसानी से खिचड़ी चढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में खिचड़ी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी और श्रद्धालुओं से अपील किया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खिचड़ी चढ़ाएं और मेले का आनंद लें। मकर संक्रांति का उत्सव पुरुषार्थ के उत्सव से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक साथ दो वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए लॉन्च की है। 16 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी लेकिन वैक्सीन को एक्टिवेट होने में समय लगेगा, हर एक नागरिक तक पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग मकर संक्रांति के इस आयोजन के साथ सहभागी बने लेकिन 2 गज की दूरी एवं मास्क है जरूरी का पालन जरूर करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में भी इसकी मान्यता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है। इस अवसर पे संगम तट पर प्रयागराज में और जहाँ भी पवित्र नदी सरोवर हैं उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन स्नान आदि करके इस पूरे आयोजन में
शामिल होते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुजनों के लिए पूरी सुविधा और व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही तय की गई हैं। उसमें मंदिर प्रशासन की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। और मकर संक्रांति का यह पर्व हम आनंददायक रूप से मना सकें। ये जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, ये बहुत सारे स्थानों पर किसानों की उमंग और उत्साह का पर्व भी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है, वह जब अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से अन्न उत्पन्न करता है, तो त्वदीय मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। दूसरा, खिचड़ी एक सुपाच्य भोज्य भी है। स्वाभाविक रूप से इस भीषण शीतलहरी के समय में जब व्यक्ति की पाचन क्रिया कहीं प्रभावित होती है, तो खिचड़ी एक औषधि के रूप में भी वह व्यक्ति ले सकता है। और आज एक कार्यक्रम यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आज आए हुए हैं, उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजन और जहाँ कहीं भी मकर संक्रांति के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह इस पूरी व्यवस्था के साथ अपना सहयोग करेंगे, ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत दस महीनों से श्रद्धालुजनों को या प्रदेश और देशवासियों को, दुनिया के तमाम देशों में इस सदी की भीषणतम महामारी कोरोना से जूझते हुए मानवता के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, आज उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलतापूर्वक उभरा है। प्रदेश में भी कोरोना के केसेज में भारी गिरावट आई है। आज से 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में 68,000 से अधिक एक्टिव केस थे, आज ये संख्या 10,000 से नीचे आ चुकी है। और मकर संक्रांति का उत्सव हमारे लिए उत्साह से कम नहीं कि भारत ने एक साथ 2-2 वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए लॉन्च की हैं और 16 जनवरी से वैक्सीन भी लग रही है। लेकिन वैक्सीन एक बचाव का उपाय है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जब तक वैक्सीन को एक्टिवेट होने में समय लगेगा, हर एक नागरिक तक पहुंचने में समय लगेगा, सावधानी और सतर्कता इसके लिए बहुत आवश्यक है। हम मकर संक्रांति के इस आयोजन के साथ सहभागी बने, इस आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना से देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने और सफलतापूर्वक इस आयोजन को संपन्न करने में हमें तभी सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति के उस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को जैसे बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मकर संक्रांति का यह आयोजन उनके जीवन में एक नया उत्साह और उमंग भरेगा, क्योंकि ये मान्यता है कि मकर संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण भी होते हैं।
सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह एक प्रशस्त और शुभ तिथि मानी जाती है मांगलिक कार्यक्रमों के लिए। तो हर प्रकार के मांगलिक कार्य अब शुरू हो जाएंगे। तो ये उस मान्यता के अनुरूप आज की तिथि एक नए उत्साह और उमंग के साथ कई प्रकार की खुशखबरियों के साथ देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए है। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूँ।